नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। पिछले कार्यक्रमों में हमने आपको सूर्य अगर कुंडली के 12 भावों में स्थित हो तो क्या प्रभाव देगा, इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बता दिया था पिछले कार्यक्रमों में कि सूर्य की 12 भावों पर दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, ग्रहों की राशिफल बची हुई थी कि कौन सा ग्रह किस राशि में हो तो कैसा रिजल्ट देगा। तो आज से हम सूर्य से शुरू करके राहु केतु तक 9 ग्रहों को कवर करेंगे। आज हमने सूर्य का द्वादश राशियों में स्थित फल, कुंडली में आपके किसी भी भाव में सूर्य स्थित हो वह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन्हीं राशियों में होगा। अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर लिखा है तब वह मेष राशि में स्थित है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 2 नंबर की गिनती पर है तो वृषभ, 3 पर मिथुन, 4 पर कर्क, 5 नंबर की गिनती पर सिंह, 6 नंबर की गिनती पर कन्या, 7 नंबर की गिनती पर तुला, 8 नंबर की गिनती पर वृश्चिक, 9 मतलब धनु, 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ और 12 मतलब मीन। तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि कौन सी गिनती पर स्थित है। जैसे आपकी कुंडली में अगर 10 नंबर की गिनती जहां लिखी है वहां सूर्य है तो आपका सूर्य मकर राशि में है। तो हर एक राशि का मैं बारी बारी से बता देता हूँ। अगर यह सूर्य कुंडली के 6, 8, 12 के अलावा अन्य भावों में होगा तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। 6, 8, 12 में भी परिणाम रहेगा ऐसा ही, लेकिन कुछ थोड़ा इधर उधर होगा ही, क्योंकि ग्रहों का भाव फल दृष्टि फल आदि भी होता है। अगर किसी का सूर्य लग्न कुंडली में मेष राशि पर यानी 1 नंबर की गिनती पर लिखा है तो यानी उस व्यक्ति का सूर्य उच्च का है, और सूर्य का उच्च होने से व्यक्ति के अंदर साहस आएगा, व्यक्ति साहसी होगा, व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, क्योंकि सूर्य ही प्रसिद्धि दिलवाता है। तो सूर्य अगर अच्छा है किसी की कुंडली में उसको प्रसिद्धि मिलेगी, जो उसके सीनियर हैं, अधिकारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं उनसे व्यक्ति को सहायता सपोर्ट जरूरत पड़ने पर मिल जाया करेगी। सरकारी तंत्र से भी व्यक्ति को सहायता सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। व्यक्ति चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, भ्रमणशील भी होता है, घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्ध भी होता है, और ऐसा व्यक्ति अच्छा जीवन यापन करता है, जीवन में धन आदि का जो है सुख बना रहता है, जो खून है, जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती हैं, खून भी अच्छा रहता है व्यक्ति का, हड्डी भी मजबूत रहती हैं, और मतलब कुल मिलाकर के अगर मेष राशि का व्यक्ति है, मेष राशि में सूर्य है तो व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा है। व्यक्ति की कीर्ति चारों तरफ फैलेगी, यश और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति की फैलती ही जाती है, और पिता से साथ सहयोग संबंध भी अच्छा रहता है। अगर सूर्य वृषभ राशि में हो यानी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जो उत्तम चीज़ें हैं, पहनावे से संबंधित, आभूषण से संबंधित उत्तम वस्त्र की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को उत्तम आभूषण की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र की राशि में है, शुक्र इन्हीं चीज़ों का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा नींद पाता है, ऐसे व्यक्ति को नींद अच्छी आती है, ऐसा व्यक्ति योग्य कार्य करता है। योग्य कार्य मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे समाज में अपयश हो, बदनामी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा जल से भय होता है, जलीय तत्व से भय रहता है, तो नदी तालाब वगैरह में अगर स्नान करें, नदी वगैरह में, झील झरने में, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को क्रय विक्रय
का काम करना चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या क्रय विक्रय से ऐसे व्यक्ति को फायदा भी होता है और व्यक्ति गान विद्या का प्रेमी होता है, यानी संगीत का प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी ऐसा व्यक्ति होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 3 नंबर की गिनती यानी मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो मिथुन राशि जो होती है ये विद्वता की राशि होती है। सूर्य जहाँ पर बैठता है प्रकाश फैलाता है, व्यक्ति के को विद्वान बनाएगा, व्यक्ति को ज्ञानी बनाएगा, व्यक्ति ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति चीज़ों का निचोड़ निकालना, तर्क अच्छा करना जानता है। ऐसे व्यक्ति से परामर्श लेना बहुत अच्छा माना जाएगा। व्यक्ति को प्रसिद्धि भी मिलेगी, व्यक्ति प्रसिद्ध भी होगा और ऐसा व्यक्ति नीति युक्त होगा, शीलवान होगा, वाणी अच्छी होगी, धन आदि भी ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा रहेगा। यानी इन तीनों राशियों में सूर्य का प्रभाव कमोबेश ठीक ही है। अब यहाँ कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। अगर सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ हो तो इसमें थोड़ी सी क्रूरता आ जाती है। कारण यह है कि ये अग्नि है, सूर्य सूर्य अग्नि है और कर्क जो है जल है, तो जब अग्नि जल पर पड़ेगा तो झंझनाहट तो होगा ही, तो थोड़ी सी क्रूरता आ जाती है। स्वभाव में भी तीक्ष्णता आ जाती है, तीक्ष्णता बन जाता है स्वभाव में। इसके अलावा धन के लिए भी ऐसा सूर्य अच्छा नहीं होता है, यानी धन हानि करा सकता है। यानी अगर सूर्य कर्क राशि में है, अन्य ग्रहों को छोड़िए हर ग्रह हर चीज़ देता है जीवन में, सूर्य चंद्रमा राहु केतु तक हर ग्रह धन भी देगा, भूमि भवन वाहन सब कुछ, हर ग्रह का प्रभाव हर चीज़ पर है। अब अगर ज़्यादा ग्रह अच्छे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव सब दे करके अच्छा बना देते हैं, तो सूर्य अगर कर्क राशि में हो तो धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसा व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, पराए व्यक्ति का काम करता है और ऐसा व्यक्ति अक्सर खेद प्रकट करता रहता है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, मेहनत परिश्रम संघर्ष से बचना चाहते हैं, दुखड़ा रोना चाहते हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं इतना अच्छा था। और ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारियों का, अपने जो सीनियर अधिकारी हैं, अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना भी करते हैं, तो ये अवज्ञा भी करने वाले होते हैं। यानी कर्क राशि का अच्छा नहीं मान के चलना है। मेष में ठीक है, वृषभ में ठीक है, मिथुन में, मेष में तो ज़्यादा ही ठीक है, कर्क का सूर्य अच्छा नहीं है। सिंह राशि में अगर सूर्य बैठा है आपकी कुंडली में, यानी 5 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, तो फिर से अच्छा फल देगा, क्योंकि यह इसका अपना घर है, अपने घर को हर कोई बनाता है। चतुर होगा व्यक्ति, कला प्रेमी होगा और कला कुशल होगा, यानी कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति के अंदर टेक्निक होगी, ज्ञान होगा, हुनर अवश्य होगा, जिसका व्यक्ति इस्तेमाल करे तो व्यक्ति जीवन को सफल बना सकता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रमी मतलब घबराएगा नहीं, काम में मुसीबत आने से घबराएगा नहीं, इसी को पराक्रमी बोलते हैं। व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होगी, व्यक्ति का हृदय अच्छा होगा, हृदय जो है, हृदय का अंग भी ठीक होगा और हृदय में अच्छी भावनाएं भी रहेंगी, और ऐसा व्यक्ति समर्थवान भी होता है और अच्छी कीर्ति की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा जंगल पेड़ पौधे वाले इलाके, पर्वत इलाकों से ज़्यादा प्रेम करता है, ऐसे इलाके व्यक्ति को ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर सूर्य यानी सिंह में भी अच्छा, अगर सूर्य कन्या राशि में बैठा हुआ हो तो जो शिल्प कलाएं हैं, चित्रकारी हैं, उनमें भी व्यक्ति का रुझान हो सकता है, क्योंकि कन्या राशि उस चित्रकारी और शिल्प कला का और काव्य का ही राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को संगीत में निपुणता, गणित में भी व्यक्ति को निपुणता मिलेगी, गणित में व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक रहेगा, वाणी जो है उसकी अच्छी रहेगी, मृदुभाषी ऐसा व्यक्ति रहेगा, यानी मधुर वाणी बोलने वाला रहेगा। और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, सरकार से भी धन प्राप्त करने का योग होता है, और ऐसा व्यक्ति धन के उपार्जन में निमग्न रहता है, यानी धन कमाने का प्रयास हमेशा करता रहता है, धन कमाने में हमेशा जुगाड़ लगाता रहेगा, धन कमाने में ज़्यादा ध्यान देगा, धन कमाने में व्यस्त रहे, लगा रहे। इसके अलावा इनका जो होता है, जिनका सूर्य कन्या राशि में होता है, इनकी आकृति किसी
मात्रा में स्त्री के सदृश होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, जैसे कुछ पुरुष भी होते हैं उनका चेहरा आदि की बनावट बड़ा सौम्य और कोमल हो जाता है, तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। कन्या राशि का नाम ही कन्या है ना, और उसमें सूर्य बैठा है, सूर्य आत्मा है व्यक्ति की। तो अगर कन्या राशि में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति की आत्मा में कहीं ना कहीं कन्या वाली भावना, यानी थोड़ा सा स्त्रीत्व तो जरूर रहेगा, स्वभाव में रहेगा, स्त्रीत्व तो आ ही जाता है। तुला राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है, 7 नंबर की गिनती पर बैठा है, तो यह इसकी नीच की राशि है। मेष में उच्च, तुला में नीच। अब यहाँ पर सूर्य नीच हो गया तो ऐसा व्यक्ति जो होता है दुस्साहसी होता है। एक तो साहस होना अलग चीज़ है, दुस्साहसी होना अलग चीज़ है। दुस्साहसी मतलब गलत कार्यों को करने में साहस का प्रयोग कर जाना, अच्छे कार्यों में जिससे लोग प्रशंसा करें, हाँ चलो अच्छा साहस दिखाया, ये काम किया, लेकिन यहाँ पर दुस्साहसी बनाने लगता है। और जो पिता पक्ष है, इसके साथ साथ जो अधिकारी वर्ग है, आपके सीनियर जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वहाँ से इस व्यक्ति को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वहाँ के लिए ऐसा सूर्य नीच राशि का खराब होता है। अनावश्यक विरोध की भावना भी होती है, दूसरे लोगों का विरोध करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं पराए व्यक्ति का काम करते हैं, अर्थात नौकरी करते हैं। थोड़ा सा धन हानि का भी योग होता है। मदिरा आदि की तरफ भी ऐसे व्यक्ति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन अगर नवमांश कुंडली में उच्च का होगा तो अशुभता कम हो जाएगी। यानी तुला राशि का स्थित सूर्य अच्छा नहीं है। सिर से संबंधित कुछ तनाव, टेंशन, परेशानी, आँखों से संबंधित परेशानी भी दे सकता है, और ऐसे व्यक्ति को अपने हृदय या कोलेस्ट्रॉल का ख्याल भी रखना चाहिए। अगर सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हो, 8 नंबर की गिनती पर बैठा हो, तो यह फिर से एक जलीय राशि होती है। इस राशि में सूर्य के रहने से ऐसे व्यक्ति का लोग आदर करते हैं। ऐसे व्यक्ति का लोग उसके सम्मुख तो आदर करेंगे, उसके मुंह पर आदर करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के बाद वही लोग उस व्यक्ति के विरोध में बोलते भी हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कलह प्रिय भी होता है, यानी लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। शांति रहे या ना रहे घर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी आता है। सूर्य अग्नि तत्व है और वृश्चिक राशि में सूर्य के होने से क्रोध आता है, और यदा कदा ऐसा व्यक्ति अपने माता और पिता का विरोध भी करता है, माता पिता का विरोधी भी हो जाता है। धन कमा लेता है, क्रूर होता है, साहसी होता है, अस्त्र शस्त्र के तत्व को जानने वाला होता है, और उसे विष, शस्त्र अथवा अग्नि से भय भी रहता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्रय विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के कुछ अच्छा है, कुछ खराब है। धनु राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो जातक अति बुद्धिमान बनेगा, शिक्षाविद बनेगा। जो चीज का भी उस व्यक्ति के अंदर है ज्ञान, जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है, उस क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु का व्यक्ति ज्ञाता होगा, उस विषय वस्तु को व्यक्ति जानने वाला होगा, धनवान होगा, संतोष भी आ जाता है स्वभाव में। अगर धनु राशि में सूर्य होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में संतोष की भावना होती है। मित्रों का हित करने वाला, अपने भाई कुटुंबों का भी मित्र का हित करने वाला होता है, साधारण वणिक होता है ऐसा व्यक्ति। कुल मिलाकर के धनु राशि में अच्छा प्रभाव देता है। मकर राशि जो कि शनि की राशि में है, और जब इस राशि में सूर्य आ जाता है तो व्यक्ति को भ्रमणशील बनाता है। व्यक्ति घूमना ज़्यादा पसंद करता है, भ्रमणशील बनाएगा। इसके साथ साथ व्यक्ति, जैसे कोई खुशी का माहौल है घर में, पर्व त्यौहार है, तो उसमें ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले पाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, और अक्सर जो है नीच कर्म भी कर जाते हैं। जैसे धन कमाना है, अवसर मिल गया तो गलत काम भी कर जाएंगे, कहीं से कुछ लाभ मिलना है और गलत है तो गलत काम भी कर जाते हैं, अल्प धनी होते हैं और अपने कुटुंबी जनों का विरोध करने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का भाग्य दूसरों के अधीन रहता है, यानी ये किसी के अधीन हो करके काम करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मकर राशि में भी सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है।
कुंभ राशि में अगर ऐसा सूर्य बैठा होता है तो जातक अपने पुत्र और पौत्रादि से विशेष प्रेम रखता है, उनमें ज़्यादा रुचि लेता है, लालायित रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर मरसी नहीं होती है, दया का अभाव होता है और व्यक्ति जो है मलिन वेशी होता है अक्सर अपने, चाहे मकर पे हो चाहे कुंभ पर। इन दोनों राशियों में सूर्य के होने से व्यक्ति बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहता अपने पहनावे पर, जो शारीरिक देख रेख साज सज्जा है उस पर बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके प्रति संवेदनशील नहीं रहता है। अगर मीन राशि में बैठा हो सूर्य तो ऐसा जातक व्यापार से धन कमा सकता है, ऐसे जातक व्यापार के लिए निकल सकते हैं और ऐसे व्यक्ति की उन्नति भी अच्छी होती है जीवन में। ऐसे व्यक्ति उन्नति जितना परिश्रम करते हैं उस हिसाब से परिश्रम कर जाते हैं, लेकिन इनके साथ एक समस्या होगी, जो अपने जन हैं अपने लोग हैं वो समय समय पर ऐसे व्यक्ति को दुख देते ही रहेंगे, वहाँ से दुख की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा धन से रहित हो जाता है, जीवन में एक से दो बार ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब व्यक्ति का धन एकदम से ख़त्म हो जाए, फिर बाद में हालांकि धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पुत्रों से भी दूर रहने का कई बार योग बन जाता है, पुत्र दूर चले जाते हैं। ऐसे जातक को जल से उत्पन्न हुए वस्तुओं का, लिक्विड आइटम का या पानी में उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार करना ज़्यादा लाभकारी होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार से संबंधित ज्ञान रखते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफल भी हो जाते हैं। अगर आपका सूर्य नीच राशि में है, 7 नंबर की गिनती पर है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप सूर्य के लिए गुड़ का दान कर सकते हैं रविवार को। किसी भी राशि में हो अगर आपको लगता है सूर्य की दशा अंतरदशा खराब जा रही है तो सूर्य के लिए गुड़ का दान करिए रविवार को। सूर्य के मंत्र का जप करवा के हवन करवा दीजिए, 31,000 मंत्र जाप करके हवन कर देना चाहिए। रविवार का व्रत कर सकते हैं या सूर्य के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से भी सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब अगले कार्यक्रम में हम इसी प्रकार से चंद्रमा के सभी भावों में फल आपको बताएंगे। इसके पहले एक आपके लिए सूचना है, अभी मुझे याद आ गया कि हर रविवार को शाम को 7 बजे के करीब में मैं YouTube पर लाइव आऊँगा, वहाँ पे आप अपने एक प्रश्न का उत्तर या आप अपनी समस्या से संबंधित निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जब मैं लाइव आऊँगा उसी समय मैं मोबाइल नंबर वहाँ पर बताऊँगा जिस नंबर पे आपको कॉल करके लाइव के दौरान सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।